हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम पत्ता गोभी से बहुत ही टेस्टी सा कम तेल में नया नाश्ता, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट और ये झटपट बनके तैयार हो जाएगा। इसे आप चाय के साथ या चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही नई रेसिपी के लिए प्लीज़ आप बेल आइकन बटन को प्रेस करें। तो चलिए बनाते हैं। इधर मैंने पत्ता गोभी लिया है। पत्ता गोभी को हमें बड़े बड़े टुकड़ों में ऐसे कट कर लेना है। आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हो। मैं इधर चॉपर में बारीक बारीक चॉप कर रही हूँ। जितना आप इसे बारीक कर सको ऐसा बारीक हमें चॉप कर लेना है। 1.5 कप जितना बारीक चॉप किया हुआ हमें पत्ता गोभी चाहिए, तो वो मैंने रेडी कर लिया। अभी दूसरा बाउल ले लेंगे। उसमें 1 कप सूजी, 1/2 कप बेसन, 1/2 कप दही, दही थोड़ा खट्टा हो ऐसा ले लीजिए, 1.5 टेबल स्पून अदरक मिर्ची का पेस्ट, 1/2 टी स्पून नमक डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम स्मूथ सा घोल बनाएंगे। तो बहुत पतला भी नहीं, बहुत गाढ़ा भी नहीं, मीडियम थिक बैटर हमें रखना है। तो 3/4 कप जितना मैंने पानी यूज़ किया है। बैटर को थोड़ा हम रेस्ट करेंगे ताकि वो गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले से ही ऐसा घोल बनाया है। तो 3/4 कप जितना पानी यूज़ किया। अभी हम 1.5 कप पत्ता गोभी चॉप की या फिर कद्दूकस की हुई आप डाल दीजिए, पर ध्यान रखें एकदम बारीक होनी चाहिए, पता भी ना चले किसी को कि ये पत्ता गोभी का नाश्ता है। अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। ढक कर इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करेंगे। तो तकरीबन मैंने 5 मिनट ही इसे रेस्ट किया था और तब तक ये आप देख सकते हो गाढ़ा हो गया है। अभी नाश्ता सॉफ्ट बने इसलिए हम उसमें 1 से 2 टीस्पून तेल डालेंगे, 1 कप बारीक चॉप किया हुआ धनिया और 1/4 टीस्पून जितना हींग डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये बैटर हमें ऐसा चाहिए, इसलिए ध्यान रखें आप दही या पानी यूज़ करें तब बैटर को हमें ऐसा ही बनाना है। तो बैटर हमारा तैयार है। अब ये नाश्ते को स्टीम करने के लिए एक कढ़ाई में मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। साथ में ऐसा कोई झाली वाला बर्तन हो वो आप ले लीजिए। बैटर गाढ़ा है इसलिए नीचे नहीं जाएगा। अगर आपको लगता है कि पतला बैटर है तो आप प्लेट भी ले सकते हो। बैटर में 1/2 टीस्पून इनो फ्रूट सॉल्ट डाल के अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो अच्छे से पूरी तरह से बैटर में मिक्स हो जाए ऐसे आप इसे मिक्स कर दीजिए। और अभी मैंने एक बर्तन पे झाली वाले बर्तन को रख दिया है। अच्छे से तेल से आप इसे साइड भी ग्रीस करें। बैटर पूरा डाल दीजिए, थोड़ा ऐसा सेट कर दीजिए। और कढ़ाई में मैंने पानी रख दिया था, उसमें हम एक स्टैंड रख देंगे और साथ में ऊपर एक छोटा सा हम प्लेट रखेंगे ताकि ये चिपक ना जाए और पानी पर ऊपर तक ना आए। तो प्लेट मैंने छोटा सा रखा है। अभी हम बैटर वाला बर्तन रख देंगे, ढककर हाई फ्लेम पे 15 मिनट के लिए हम इसे स्टीम करेंगे। तो कुछ भारी चीज़ रख के हम इसे स्टीम करेंगे ताकि स्टीम अच्छे से हो जाए। हाई फ्लेम पे 15 मिनट के लिए हमने इसे स्टीम कर लिया। 15 मिनट के बाद तो इसका जो लेयर है वो थिक रहता है, तो आपको 15 मिनट के लिए इसे कुक करना है। अगर आप प्लेट ले रहे हो तो पतला लेयर रहेगा तो ये 10 मिनट में भी हो जाएगा। नाइफ से चेक करेंगे, बैटर नहीं आ रहा है, मीन्स ये अच्छे से कुक हो गया है। बर्तन को हम निकाल लेंगे और इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए रेस्ट करेंगे। तब तक हम चटनी बना लेंगे। तो मैंने पहले बना ली है, पर ये रेस्ट हो रहा है तब तक मैं आपको दिखा दूंगी। तो बहुत ही धनिया की टेस्टी सी चटनी है। 4 हरी मिर्च मैंने बहुत तीखी ना हो वो ली है। 1 कप धनिया डंडल के साथ ले लेंगे, 20 से 25 कड़ी पत्ते, और साथ में हम उसमें नमक और 1 टुकड़ा अदरक का डाल देंगे। तो नमक आपके स्वाद के अनुसार डाल दीजिए। 1/2 नींबू का रस निचोड़ देंगे तो इससे अच्छा सा कलर आएगा। 1 टीस्पून जितना शक्कर तो ऑप्शनल है पर अच्छा टेस्ट देगा। 2 टेबलस्पून जितना मूंगफली के दाने, 1 चुटकी जितना हल्दी, 1 टीस्पून जीरा, 2 टेबलस्पून जितना दही डाल के हम चटनी को पीस लेंगे। तो अगर आपको थोड़ी पतली चटनी चाहिए तो थोड़ा पानी डालिए, नहीं तो ये चटनी हमारी बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी सी ये चटनी, आप पराठे के साथ भी खा सकते हो। अभी जो हमने नाश्ता रेस्ट करने के लिए रखा था उसे साइड से आप अलग कर लीजिए।
और चौकोर शेप में मैं इसे काट रही हूँ। अब चाहे तो इसे ट्रायंगल शेप में भी काट सकते हो। तो ऐसे मैंने इसे काट कर रेडी कर लिया है। सेपरेट कर देंगे और हर एक पीस को ऐसे अलग अलग कर लेंगे। अगर आपको बिना तेल के ये नाश्ता खाना है तो अकेला भी चटनी के साथ आपको बहुत ही पसंद आएगा। और कुछ मज़ेदार ऐसा अगर आपको खाना है तो हम इसको क्रिस्पी भी कर सकते हो। तो सिंपल सा है, बहुत ही झटपट से बनके तैयार हो जाता है। घर में अगर कोई पत्ता गोभी नहीं खाता है तो वो भी खाएगा अगर आप एक बार ये पत्ता गोभी का नाश्ता बनाओगे। तो सेपरेट कर लिया। अभी एक पैन ले लेंगे, उसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून जितना तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो जाए, गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम, तो थोड़ा मीडियम मैंने रखा है। साथ में 1 से 2 टेबलस्पून जितने सफ़ेद तिल डालेंगे और जो नाश्ता है वो ऐसे हम अलग अलग फैला कर रख देंगे और इसे हम स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हर एक साइड से एकदम अच्छे से हमें क्रिस्पी करना है। तो इसमें हमने सूजी यूज़ की है तो इससे ये नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी, तो बाहर से एकदम क्रिस्पी बनेगा, अंदर से एकदम सॉफ्ट बनेगा और खाने में ये बहुत ही टेस्टी सा बनेगा। तो ये नाश्ता आप एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार बनाएंगे, इतना ये टेस्टी है। तो आप इसे पत्ता गोभी की वड़ी भी बोल सकते हो, पत्ता गोभी के क्रिस्पी ढोकला भी बोल सकते हो। बहुत ही टेस्टी सा बन के मैंने हर एक साइड से इसे सेक के क्रिस्पी कर लिया है। अभी हम उसमें 1 से 2 टीस्पून जितना चाट मसाला, जितना आपका टेस्ट है उस हिसाब से आप डाल दीजिए। बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे, एक बार और अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और हमारा चटपटा सा पत्ता गोभी का नया नाश्ता बनकर तैयार है। तो आप इसे टमाटो केचप के साथ, बच्चों को लंच बॉक्स में या चाय के साथ गर्मा गर्म सर्व कर सकते हो। घर में बच्चों से लेके बड़ों को सबको बहुत ही पसंद आएगा। और ये कम तेल में झटपट से बनने वाला ये पत्ता गोभी का नाश्ता आप एक बार ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये क्रिस्पी पत्ता गोभी के नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही नई रेसिपी के लिए प्लीज़ आप बेल आइकन बटन को प्रेस करें। तो आप देख सकते हो बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और चटनी के साथ इसे गर्मा गर्म सर्व करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।